तो आज संडे है और हम अभी सो के उठे हैं अराउंड 10 बजे। फुल रेस्ट, ठीक है, वैसे रेस्ट ही चल रहा है। और ये जो बाल है हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इसको थोड़ा अभी ट्रिमिंग विमिंग कराएंगे। ओके, फिर थोड़ा हीरो बन के मिलता हूँ। वैसे यार मुझे तो है ना बचपन से ही लंबे बाल करने की इच्छा बहुत है, पर हो ही नहीं पाता है। उसके लिए बहुत सबर करना पड़ता है, जो होता नहीं है और संभाल ही नहीं पाते हम तो भाई। और घर वाले भी नहीं करने दे सकते यार अपने को। આમ કરશો ને તમે આ કટિંગ ને તમે બે સાઈડ કરી નેવી છે। सो मैंने साइड से इस हिसाब से किया है जो आपने फोटो देखा। और ये क्या फोर साइड है पूरे इस टाइम? फोर साइड है ना इसको बोलते फोर साइड, जो एक बोल सिंगल साइड। ये दोनों साइड भी कर सकते हैं आपको जैसा करने का, नहीं ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा करने से खड़े भी कर सकते हैं। तो देखो ये वाला भी हेयर स्टाइल में बना सकता हूँ और ये वाले भी साइड से मैंने इस हिसाब से करवाया। और आपका नाम क्या है भैया? योगेश भाई भाटिया। और ये है रीगल द बार्बर शॉप। अपनी हेयर कटिंग हो चुकी है, बहुत सही में बहुत ही सही मुझे लग रहा है, बाल बहुत सही। वैसे स्मार्ट तो है अपना, बट दिस लुक नाइस। फिर हेयर कटिंग के बाद हम गए बस स्टैंड, वहाँ दिस इज दाऊद स्टेशन। तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस सिस्टर को छोड़ना था, अहमदाबाद जा रही है, ठीक है, नहीं तो हम अभी बस में होते हैं। दो निकाल दो तो। कोकोनट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। हफ्ते में एक दो बार तो आपको पीना जरूर चाहिए, ठीक है। और ये बाल सही लग रहे कि नहीं ये मुझे कमेंट में जरूर बता रहे। आई थिंक सही है, थोड़े एक दो दिन बाद सेट हो जाएंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही हम बस स्टैंड से वापस घर आए, फिर उसके बाद हमारा जो दिन का काम था वो सब पूरा निपटाया, ठीक है। फिर उसके बाद रात हो गया और हमारे दोस्त का आ गया फ़ोन। फ़ोन इसलिए आया क्योंकि उसे कुछ काम था बाहर, और हमने भी सोचा चलो ठीक है कंटेंट में थोड़ा हम चेंज लाए और बाहर हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब कि हो ही जाता है। जो मेरा दोस्त है वो बोलता है कि संडे भी है तो आज कुछ हो ही जाए, ठीक है। सो सी, सो इट्स 9 PM, अभी शाम के रात के 9 बजे, और मैं दिग्विजय भाई आए थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने। सो गाइस ये जो है अंडा अफगानी है और ये पाव, और ये सही में बहुत सही दिख रहा है, इसको खा के देखते हैं। वो चीज़ डाली हुई है। तो अपना जो आज का व्लॉग है वो आपको पता चला कि इस हिसाब से मैंने रखा, एक स्टोरी हिसाब से, और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा इंक्लूड कर पाऊँ अपना अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मैं धीरे धीरे बाहर ला रहा हूँ, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप ये सब तो चलते रहेगा, इसके अंदर ही आएगा, उस हिसाब से मैंने पूरा सिस्टम रखा है। आई होप आप सभी लोग को ये सब चीज़ें पसंद आ रही होगी, ये जो मेरा कॉन्टेंट क्रिएशन है। और एक और चीज़, मैंने जब से वीडियो शेयरिंग कम किया है तब से भी जो मेरा रैंक है यूट्यूब ऑटोमेटिक रिकमेंड कर रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि जेन्युइन पर्सन लोग अब मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि जो चाहते हैं मुझे देखना वो मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है। थोड़े व्यूज़ कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कम आ रहे हैं, बट धीरे धीरे
हर चीज़ कंसिस्टेंट हो जाएगी और इंक्रीज़ होगी टाइम टू टाइम। हर चीज़ का टाइम होता है, जो मुझे टाइम था सीखने का वो सीख लिया मैंने, अब हमारा टाइम है ग्रोथ करने का। ओके, तो अपने वीडियो को यहाँ क्लोज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।